वजह से दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि आँखों में आई फ्लू हो गया है इन्फेक्शन, तो मुझे चश्मा लगा के रहना पड़ेगा। और उन्होंने ड्रॉप भी दी है, 2-3 ड्रॉप एक घंटे डालनी है, और चश्मा नहीं उतारना है, और पसीना वगैरह नहीं आना चाहिए, और बार बार ठंडे पानी से मुँह धोने के लिए बोला है, कम से कम दिन में 4-5 बार। बस यही था, और काफ़ी रेस्ट था हॉस्पिटल में, अब घर जाएंगे। इसलिए तो बस तो ऑटो में जल जाती वहाँ पर भी सुना आता है, तो इसमें बस में जा रहे हैं, एक बस में बहुत अच्छा सा लग रहा है। बाकी घर जाएंगे और एसी चला के रेस्ट करेंगे, और थोड़ा बहुत जो काम होगा गैस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पसीना आएगा। डॉक्टर ने अभी आपके पास और ठंडा गर्म ऐसा बोला कि मतलब सर्द गर्म ना हो और आपको जो है पसीना ना हो। बस घर चलते हैं और उसके बाद बताते हैं कि फेस वॉश करेंगे और वहाँ का मतलब दवाई डालनी है, क्या क्या करना देते हैं आपको। चेंज कर लिया, नहा धो लिया, और यहाँ पे एनी बैठी है पापा के पास। किधर जा रही हैं? इधर आओ, देख के आओ ना, मम्मी आई है। और एक मम्मी आगे बाहर देख के आओ, जल्दी देख के आओ, देख के आओ, नहीं आई तो पहले पता चला ना पापा। अच्छा किन्नी पाई है, किन्नी बारी? ठीक है, तो दवाई खा ली सी? बाकी चश्मा पाया है, दर्द हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को भी आई फ्लू हुआ है। अब मेरी ये राइट वाली आंख देखो, इसमें ना लाल लाल सा हो रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी ने पत्थर मारा, इतना दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा आई फ्लू हुआ है, मेरे को भी ड्रॉप दिया, अभी मैं फ्रिज में रखी है, थोड़ी देर बाद उसको मैंने डालना है, और दिन में 4 बार ही डालना है। और एनी यहाँ पे पापा के साथ आराम से बैठे है, आई फ्लू हो गया, तो वो कह रहे नहीं इन्फेक्शन है, नहीं चल रहा है, तो आइस फ्लू ही है, आंखों का फ्लू जो होता है इन्फेक्शन। हाँ, ठंडे पानी पीना क्या चाहते हो? छिट्टे पानी। हाँ, ठंडे पानी छिट्टे बोले ने डॉक्टर ने, आई फ्लू आई फ्लू आया 3-4 बारी बोले आइस फ्लू से ना, छिट्टे मारने पे ठंडे बर्फ वाले पानी दे, और ड्रॉप बोली है 3-4 बारी पान वास्ते। ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा ना दर्द वगैरह, है ना? पापा कह रहे यहाँ पे मैं आपको ऑपरेशन करा के हूँ, बीमार पड़ा हूँ, और अभी मैं इतना ज्यादा काम को कुछ देख नहीं सकता, घर का तेरी हेल्प नहीं करा पाऊंगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ी सी दवाई डालूंगी और आराम करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मिलेंगे आपसे बाद में। अगले दिन से 6 बारी पानी, 2 बारी पा लिया है, 1 बारी पा लिया। ठीक है, दूसरी बारी पानी है? दूसरी बारी पानी। ठीक है, दोबारा 4 बारी पाना? नहीं, खोलो ऊपर, आप खोलो 1 घंटे बाद। बंद कर लो दूसरी, चश्मा रहने दो। अरे चश्मा के पागे ये रोला करेगा। ये वाली डालेंगे, ये दिन से 4 बारी है। ठीक है, वो चश्मा कर लो। दवाई और भी है, 4 बारी पैंदी है। ऐ वाली जड़ी है वड्डी वाली है, ऐ भी दिन से 6 बारी पेगी, और ऐ वाली जड़ी छोटी ग्रीन है, ऐ दिन से 4 बारी पेगी। अभी कल ले आती है ना? हां, ऐ 4 बारी पेगी दिन से। 4 बारी पेगी जड़ी, इस तो पहले एक और पाती है दे नाल वड्डी वाली। व्हाइट वाली है एक, ओ वाली दिन से 6 बारी, ओ भी 6 तो भी पाई हो गए। ते हुन 2:30 बजे रे ना, ते हुने कटकट 2:30 बजे पा देंगे। ठीक है, हां, अले आराम करो, 2:30 बजे पा के ते फिर करो। ठीक है, एक 2:45 बजे पाएगी, और एक फिर सीधा रात ही पाएगी, क्योंकि सवेरे और रात दी एक। हाँ ठीक है, मैं हल्का फुल्का और खाना बना देंगे। ठीक है, अंडा ब्रेड खा लोगे? हाँ खा लेंगे। ठीक है। A few moments later. ये वाली आई ड्रॉप मेरी है, अब मैं इसको डालने लगी हूँ अपनी आंखों में। अरे आप चली गई, अब नहीं, आप तो बाहर गई है।
टाइम है दवाई डालिए और डालूंगी मैं 5 बजे फिर उसके बाद फिर अपन फिर कितने भी पानी है 4 बारी पानी दिन से 2:30 बजे पा ली 5 बजे पा लाँगी फिर 7 बजे नहीं 10 बजे पा लाँगी फिर ठीक है। A few moments later. हमारी छोटी की दाल तड़का लगा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो दर्द है फिर भी दाल बनाते हैं और व्यवस्था करते हैं यहाँ पे दाल तो बच्चे लग गई पापा चाय ले लो चाय पी लो और वीडियो नहीं देख रहे मेरी लगी हुई है चलो उठो फिर चश्मा किधर है चश्मा पालो जी मेरे को आई फ्लू से आंखों में इतना दर्द है कि पानी आ रहा है और ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना पत्थर मारा हो आंख में इतना दर्द होता है और पानी आता है और पापा को अपना दर्द पता होगा जिसको जो दर्द होता है वो अपना एक्सपीरियंस खुद बताए पापा दस्तो क्या में दर्द हैगा कि नहीं हैगा भाई ये कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को नहीं वैसे दर्द हैगा दर्द बेटा जिस तरह लागे तो जाने वही जो मेरे को भी दर्द है ना वो मैं ही बता सकती हूँ और पापा को भी जो दर्द है वो पापा ही बता सकते हैं वैसे पापा ने अब दवाई डाली है जो पापा को धुंधलापन था वो थोड़ा सा कम हो गया है ना सबसे ज्यादा दर्द तो मैं ये है कि मैं हफ्ते से घर पे बैठा हूँ हफ्ते से थोड़ा ना 2-3 दिन तो हुए मुझे तो हफ्ते से भी ज्यादा तो चलो चाय पियो चाय के साथ कुछ खाओगे बिस्किट पैन कुछ कुछ नहीं खाना साथ में पापा ये वाला ब्लॉग देख रहे हैं पापा का फेवरेट है कैंपिंग वाला तो पापा कह रहे हैं वो उसकी मछली गिर गई इसका मतलब पापा की आँख में जो दर्द है ना वो थोड़ा ठीक है उसको वो मछली बना रही थी उससे मछली गिर गई थी ना मेरा दिल कर रहा मैं भी ब्लॉग बनाने मछली का अच्छा ठीक है एनी भी पापा के पास आ गई है तो चाय पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं।